गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम एट हिया अकेडमी मैथ्स बाय रूपा कुमारी। तो आज से हमने अपनी एसटेट की क्लासेस स्टार्ट की है। किसकी? एसटेट की क्लासेस स्टार्ट की है। 40 डेज बचे हैं, जिसमें से चार पांच चैप्टर तो मैंने करवा दिए हैं। वो कंप्लीट चैप्टर करवाए हैं पूरे, वो पढ़ लोगे तो उनको चैप्टर को दोबारा करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अब मैं चैप्टर शॉर्ट में लूंगी, किसी चीज का भी डेरिवेशन या ये नहीं बताऊंगी आपको, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें बताऊंगी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ मतलब जो एसटेट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो, या फिर एसटेट में जैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो कोई डिटेल नहीं चलेगी, बस इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी आपको हर चैप्टर के, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारा हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए कंप्लीट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी चल रहा है, उसमें दो तीन तीन क्लासेस हो चुकी हैं। और अब जो चलाऊंगी वो शॉर्ट में चलेगा, अब जो चलाऊंगी वो शॉर्ट में चलेगा, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चलेगा। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर आपको डिटेल देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की प्लेलिस्ट मिलेगी और वहां पर आप डिटेल देख सकते हैं। तो परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, पहले तो बस सिर्फ ये दो टर्म समझ लीजिए ताकि आपको डिफरेंस पता चले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। डिफरेंस क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, किसी भी चीज को सेलेक्ट करना, किसी भी चीज को सेलेक्ट करना। जैसे आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, अब आप एसटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास हिंदी भी मिलेगी, हरियाणा जीके भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, मैथ भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगी, ठीक है। तो उनमें से आपको हर बुक सेलेक्ट करनी है। मैं कहूंगी बहुत सारी बुक्स है, इसमें से मैथ्स की बुक सेलेक्ट कर लीजिए, तो वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया, सिलेक्शन। परम्यूटेशन क्या हो गया, अरेंजमेंट। ये क्या है, परम्यूटेशन क्या है, अरेंजमेंट। जैसे कि अब आपने बुक्स में से मैथ्स की बुक अलग ली, अब मैंने कहा ये इतने रैक हैं, इनमें हर एक में मैथ्स की अलग, रीजनिंग की अलग, हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग, ऐसे बुक लगा दीजिए। तो आप पहले उनको सेलेक्ट करोगे और फिर उनको अरेंज करोगे कि यहाँ हिंदी की, ये इंग्लिश की, ऐसे अरेंज करोगे। तो फिर ये क्या हो गया, अरेंजमेंट, उन बुक्स को अरेंज करना, दैट इज अरेंजमेंट। तो परम्यूटेशन इज टू स्टेप प्रोसेस। अब मैं परम्यूटेशन आपको बताऊं, इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस। ये क्या है, टू स्टेप प्रोसेस है। कैसे, पहले हम सेलेक्ट करेंगे बुक्स को और फिर उनको अरेंज करेंगे, तो क्या हो गया, टू स्टेप प्रोसेस हो गया। अच्छा, परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में हम लिखते हैं एनसीआर, एनसीआर, और परम्यूटेशन में हम लिखते हैं एनपीआर। परम्यूटेशन को पी से डिनोट करते हैं और कॉम्बिनेशन को सी से डिनोट करते हैं। देखो, और परम्यूटेशन एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल के इक्वल भी होता है। पहले हमने किसी भी चीज को सेलेक्ट किया और फिर उसको अरेंज किया। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है कि कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम, कितने तरीके से हम किसी चीज को अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप समझोगे क्वेश्चन से, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो मार्क्स है वो वन या टू, टू मार्क्स का आता है लगभग। कितने मार्क्स का आता है, टू मार्क्स का, टू टू थ्री मार्क्स का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता है। मैं ये वीडियो भी डाल दूंगी एक दो दिन में कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो टू टू थ्री मार्क्स के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आते हैं, दो तीन दिन में मैं ये कर दूंगी खत्म। आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी, कल से क्लास पूरी बड़ी होगी, एक डेढ़ दो घंटे की, ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो, ठीक है। तो क्या करवा थे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अच्छा, इनमें क्या होता है, देखो एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। एनसीआर का मतलब क्या है कि एन थिंग्स है उनमें से आर थिंग्स को सिलेक्ट करना, ठीक है, एन थिंग्स है उनमें से आर थिंग्स को सिलेक्ट करना। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये नहीं,
फाइव बॉयज आर देयर और फाइव सीट है। फाइव सीट है तो इनमें कैसे बैठ सकते हैं, ये कैसे बैठ सकते हैं? तो जो ये फर्स्ट वाली है इस पे तो फाइव में से कोई भी एक बैठ सकता है, तो पांचों में से चांसेस है ना कि पांचों में से कोई ना कोई तो एक बैठेगा, तो कितने चांसेस हो गए इसके? फाइव। यहाँ के फिल करने के कितने चांसेस हो गए? अब एक तो बैठ गया, कितने बच गए? चार। यहाँ तो ये सीट है, ये इतने वे से फिल हो सकती है, मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120। और ये क्या होता है? फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल n मतलब n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अप टू 3 to 1। अब मैं कहूं कि फैक्टोरियल 10 क्या होगा, तो हम कैसे ओपन करेंगे? 10 × 9 × 8 × 7 × 6, ये सब बातें तो आपको पता है, ये सब बातें आपको पता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रही हूं थे। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट ये इनमें जो रिलेशन है ना वो बता रही मेन, ये सब भी आपको पता है। एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के ऐसे भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी करते हैं। अब मैं लिखू एन पी आर, उसको एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल कहते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, एन पी आर इज इक्वल टू, मैं बोल सकती हूँ एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। क्या है ये? देखो ये चीज क्या है, परमुटेशन में क्या है, हम चीजों को सेलेक्ट करके फिर अरेंज कर देते हैं, ये फॉर्मूला होगा उस चीज का, सेलेक्ट करके अरेंज करना, और सिर्फ सिलेक्शन चाहिए तो ये फॉर्मूला। तो ये और ये कैसे इक्वल होते हैं? एन पी आर इक्वल टू एन सी आर इंटू फैक्टोरियल आर। देखो इसको एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल को अगर हम आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बोला मैंने एन सी आर को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, तो कैसे, क्या बच गया? एन पी आर बच गया। तो आप एन पी आर लिख लो, चाहे चीजों को सेलेक्ट और अरेंज करने के तरीके लिख लो। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन, क्वेश्चन से पहले एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें वो और देख लीजिए। NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 ऐसे चलेगा और NCN तक जाएगा, तो इसको हम क्या लिखें, किसके इक्वल होगा? ये होगा 2 की पावर n माइनस 1। अब मैं किसी चीज को डिटेल में नहीं बताऊंगी, ये सब डिटेल्स में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जो हमारी सीरीज चल रही है पूरा डिटेल जिसमें चल रहा है आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें सब डिटेल मिलेंगे आपको, यहां पर मैं डिटेल नहीं बताऊंगी आपको। अच्छा ये फर्स्ट है, सेकंड एनसीआर इज इक्वल टू, एनसीआर को हम क्या लिख सकते हैं? एनसीएन माइनस आर, एनसीआर को हम एनसीएन माइनस आर भी लिख सकते हैं, ये दोनों चीजें क्या होंगी? इक्वल। एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई है, इसका मतलब क्या है? एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन होगा। फोर्थ एन सी एन और एन सी वन, वन नहीं एन सी जीरो इज इक्वल टू एन। फिफ्थ एन सी वन इज इक्वल टू एन, ये चीजें लर्न होनी चाहिए आपके, क्या होनी चाहिए? लर्न। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्स, एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन। सिक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है।
अब जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे मैं बता दूंगी, ये तो आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन। मैं हर चैप्टर में आपके 60-70 तक के आसपास क्वेश्चन मैं करवा दूंगी, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं आता है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगी। ठीक है ना, 40-50 क्वेश्चन मैं ही करवा दूंगी। आप इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देखो, NP5 = 20 है, 20 NP3 है, फाइंड एन, एन इज इक्वल टू क्या होगा, यू कैन डू। भाई NP3 को हम क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल और N-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20, एन फैक्टोरियल अपॉन N-3 फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल, N-5 इससे आगे नहीं, N-3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, N-4 में -1 करेंगे और N-5 आप एम स्टॉप कर देंगे, कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, N-3 N-4 इज इक्वल टू 20। अब आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो और इसको सोल्व भी कर सकते हो, सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लो, एन स्क्वेयर 3N और 4N 7N + 12 = 20, एन स्क्वेयर -7N - 8 = 0। अब मल्टीप्लाई 8 आए, सम 7 आए, तो 7 और 1 7 बन जाए, 8 and 1, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब फैक्टर कैसे बने, माइनस का अपोजिट प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो एक फैक्टर आ गया 8 और एक आ गया -1, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 8 and -1, -1 को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि फैक्टोरियल में और फैक्टोरियल कभी भी माइनस में होता नहीं है, तो एन की वैल्यू आ गई 8। एक स्क्रीनशॉट, देन डू नेक्स्ट क्वेश्चन। आज वाली क्लास में आपके बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक नहीं आएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और कल वाली क्लास में पूरे अच्छे क्वेश्चन होंगे, कलाइड हो जाएगा इसका, बस दो ही क्लास में मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन करवा दूंगी। tan Cr = tan Cr + 4, क्या निकालना है इसमें, फाइंड वैल्यू ऑफ आर, कैसे निकालेंगे, tan Cr का मतलब tan फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल, tan माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू tan फैक्टोरियल ओवर R+4 फैक्टोरियल, 10 - R - 4, तो क्या बचेगा, 6 - R फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, R+4 को ऊपर ले जाएंगे, R+4, अब 1 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R+3, R+2 और R+1 इंटू आर फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल, इसको इधर ले जाएंगे, 10 - R, 9 - R, 8 - R, 7 - R और 6 - R फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 - R फैक्टोरियल, समय 1 1 सब्ट्रैक्ट होता जाता है ना, वो कर दिया, आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल, 6 इससे ये कैंसिल। अब आप करो क्वेश्चन बाई ऑप्शन, ऑप्शन क्या है आपके, टू थ्री फोर नन, टू थ्री फोर एंड नन। देखो अब इसमें थोड़ा थोड़ा आप अंदाजा लगाओ कि कैसे आ सकता है, अगर मैं 2 रखूंगी तो 2 + 1 3, 3 यहां कहीं भी आ सकता है, नहीं आ सकता, मैंने 3 पुट किया, 3 + 1 4 और 7 - 3 4, उसका भी लास्ट ले लो इसका भी लास्ट, तो हमें 3 लगता है आ सकता है, 3 पुट करो, 7 × 3 + 3 6 × 5 × 4 इज इक्वल टू 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 9 में से 3 करेंगे 6, 8 में से 3 करेंगे 5 और 7 में से 3 करेंगे 4, इक्वल आ गया, तो ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट,
ये आधे क्वेश्चन हम ऑप्शन से करेंगे। अब देखो ट्रिक वाला क्वेश्चन, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? अब इसको मैं सोल्व करूं, एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और फिर एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। हम इसको कैसे करेंगे देखो, एनसीआर प्लस, ये टू टाइम्स है, मैं इसको अलग अलग लिख लूं, मैं इसको दो बार लिख सकती हूं या नहीं? इसको मैंने दो बार लिख लिया, प्लस एनसीआर माइनस टू, एनसीआर प्लस एन सी आर माइनस वन, एन प्लस वन सी आर हो गया। थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन बताया था, एन फॉर्मूला बताया था, एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन होता है। क्या होता है भाई, ऊपर वाला एन सेम होना चाहिए, नीचे डिफरेंस वन होना चाहिए, तो नीचे वाले में बड़ा और ऊपर वाले में एक एड, मतलब दोनों में बड़ा बड़ा हो जाएगा, बस छोटा नहीं लेना है। तो इसमें बड़ा आर है और ऊपर एन प्लस वन हो गया, प्लस एन सी आर माइनस वन और एन सी आर माइनस टू, तो एन प्लस वन हो गया, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? एन सी आर माइनस वन बड़ा है, ठीक है। अब फिर दोनों का एन प्लस वन हो गया, ऊपर का सेम हो गया ना, ऊपर का सेम होना चाहिए भाई, तो एन सी एन प्लस टू हो गया, ऊपर वाला बढ़ गया सी, नीचे जो बड़ा कौन सा है? आर बड़ा है, तो आर ले लिया। दिस इज आवर आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 47C4 प्लस सिग्मा आर इज इक्वल टू 152 माइनस आर सी थ्री, ये किसके इक्वल होगा? कैसे करेंगे देखो, 47C4 प्लस आर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? 52 माइ आर इज इक्वल टू 0, 125, 52 माइनस आर, हाँ ठीक है, आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 51 सी थ्री, आर की वैल्यू टू पुट करेंगे, 50 सी थ्री, 49 सी थ्री, 48 सी थ्री, आर की वैल्यू 5 तक पुट करनी है ना हमें, 1 2 3 4 5 पुट करेंगे तो 47C3, ठीक है सही है। अब देखो मैं इसको इसको मिलाऊंगी तो क्या हो जाएगा, 48C4, ऊपर वाला सेम रहेगा, 47 है ना ऊपर दोनों में सेम, तो एक बढ़ जाएगा 48C4। वैसे इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा, जो सबसे बड़ा है इसमें, क्या है सबसे बड़ा? 51, सीरीज बन रही है 47 48 49 50 51, ठीक है। अच्छा तो जो सबसे बड़ा क्या है, 51, इसके अंदर एक जोड़ देंगे 52C, और नीचे सबसे बड़ा क्या है? 4, नीचे वाला सबसे बड़ा लेता है, ऊपर वाले में एक ऐड कर देते हैं, तो आंसर तो आ गया ये। कैसे आया देखो, इसको और इसको लिया मैंने तो क्या आ गया, 48C4 आ गया, 48C4 प्लस 48C3 क्या आ गया? 49C4, और 49C3 और C4 क्या आ गया? 50C4, 50 50, 51C4, और 51 और 51 52C4 आ गया। जो सबसे बड़ा वाला होता है उसमें एक ऐड कर दो, नीचे वाला सबसे बड़ा लेना ही होता है, ठीक है भाई, डायरेक्ट। अब देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन हो रहा है, सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 m n प्लस आर सी n, ये किसके इक्वल होगा? हम सिग्मा ओपन करते हैं, आर की वैल्यू 0 पुट करनी है, एन सी एन प्लस वन सी
सी एन प्लस एन प्लस टू सी एन बढ़ता जाएगा एन प्लस एम सी एन, यही बोला है ना। अच्छा मैंने क्या कह रखा है, जो जैसे बढ़ता जाए, जो सबसे बड़ा है ऊपर, सबसे बड़ा क्या है n प्लस एम, एन प्लस एम में वन ऐड कर दो c, नीचे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कुछ है नहीं तो नीचे वाले में एक ऐड कर दो, ये आ गया आंसर। बस ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक। अब इसके कल करवाऊंगी और बाकी क्वेश्चन, ठीक है। तो कल थोड़ी लंबी क्लास होगी, थोड़ी क्या कल कंप्लीट करवा दूंगी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, दो दिन में एक चैप्टर फिनिश, कोई छुट्टी नहीं संडे की भी, 40 डेज है, 40 डेज दबा के क्वेश्चन, ठीक है। और बीच बीच में जो 10 मार्क्स का आता है, देखो 60 मार्क्स का तो हमारा आता है, सब्जेक्ट का जो होगा हमारा 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन, ठीक है। 9, 10 में से आते हैं 5 to 6 क्वेश्चन, यहां से आ जाएंगे 50 to 52 क्वेश्चन, और 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे यहां से। तो 3 से 4 क्वेश्चन के लिए हम ग्रेजुएशन नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। उनमें जो इम्पोर्टेंट है, जो चैप्टर थ्योरम है, वो मैं करवा दूंगी, क्वेश्चन बन जाए ये कोई गारंटी नहीं है उनमें से। ये वाला पोर्शन 50 to 52 वाला पोर्शन, ये 40 डेज में हम कंप्लीट करेंगे कवर। अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से हो जाएंगे हमारा, जो मैं हमारा दूसरा 10 मार्क्स का हमारा कॉमन होगा मैथ का, जो सब में आएगा, पीआरटी टीजीटी पीजीटी सब में आता है, वो भी मैं साथ साथ ले रही हूँ, ठीक है। तो उससे ये 5-6 क्वेश्चन है यहाँ से कवर हो जाएंगे, 10 मार्क्स तो ये और 5-6 ये, यहाँ से 15 मार्क्स कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो दोनों वीडियोस आप देखते रहिए, ठीक है, और चैनल को लाइक कीजिए, इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज वी ऑल हैव ओनली 40 डेज, ओके। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम पूरा करेंगे लंबी क्लास, ओके। Thank you. Bye.